हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जस्ट एफजी पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और अब आज तक आपको अगर आपके अकाउंट में पैसा जमा करना होता था तो आप ब्रांच में जाते थे, फिर वहाँ आप डिपॉजिट स्लिप लेकर उसको फिल करके और काउंटर में उसको कैश के साथ देते थे। पर आज बैंक ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि अगर आपको अपने अकाउंट में कैश जमा करना है तो आपको आप डिपॉजिट स्लिप भरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल बैंकिंग से सिर्फ कैश डिपॉजिट का रिक्वेस्ट डालेंगे, उसके बाद वहाँ से एक रेफरेंस नंबर आएगा, उस रेफरेंस नंबर को और पैसे ले जाकर आप काउंटर में देंगे तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक कैश डिपॉजिट हो जाएगी और आपको कैश डिपॉजिट रिसिप्ट काउंटर से दे दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको कैश डिपॉजिट फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन मोबाइल बैंकिंग में सेम मोबाइल में कहाँ है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, होम पेज में आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा VAS वैल्यू एडेड सर्विस, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ग्रीन चैनल कैश डिपॉजिट। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट डिपॉजिट करना है जिसमें कैश जमा करना है, उसके बाद आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिर जिस ब्रांच में आप जमा करना चाहते हैं उसके IFSC कोड, फिर आपको अपना पेन नंबर लिखना है और जिस डेट में आप पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं वो डेट आपको सिलेक्ट करना है और आपको अपना TPIN डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद देखिए आपका ये मैसेज आएगा सक्सेसफुल करके और ये रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ये इस रेफरेंस नंबर को जाकर काउंटर पे देना है, उसके बाद इस रेफरेंस नंबर को कैश के साथ जाकर सिर्फ बैंक में ब्रांच कैश काउंटर पे देना है और आपके कैश जमा हो